जहाँ तक इसमें अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पे सरकार ने संज्ञान लिया है। एमसी कमिश्नर का फैसला आता है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ एंड विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, इसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ये अवैध पाया जाता है तो निश्चित तौर से इसको डिमोलिश किया जाएगा। संजौली के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है उस पे सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जी ने दो दिन पहले विधानसभा के अंदर और पिछले कल भी जो है अपनी जो स्थिति है और सरकार का जो उसमें पक्ष है उसको पूरी मजबूती से जो है वो रखा था। और आज जैसा मैंने विधानसभा में भी बतौर यूडी मिनिस्टर, क्योंकि ये शहर का मसला है, कुछ इसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन का मसला है, तो उस मुतलक मैंने पूरे विद फैक्ट्स इस चीज को विधानसभा के सभा पटल के ऊपर सरकार की ओर से रखा था। आज फिर से मैं इसी विषय पर आप सभी से सरकार की ओर से चर्चा करने के लिए आया हूं, क्योंकि जो जहां तक कांग्रेस पार्टी की सरकार की बात है, वी आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द कॉज ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड वी सिंपथाइज विद देम एंड स्टैंड विद देम रॉक सॉलिड। मगर इसमें जैसा मैंने आपको कहा कि कानून की प्रक्रिया है, जहां तक मस्जिद के अवैध निर्माण की बात है, आप जानते हैं कि ये मसला पिछले करीबन 10 साल से म्यूनिसिपल कोर्ट में, म्यूनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में लंबित है, और उसमें पिछले 5 साल भाजपा की सरकार भी हिमाचल के अंदर रही, आदरणीय जयराम जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और करीबन करीबन 5 साल तक जो है वो भाजपा के मेयर रहे, उन्हीं के कमिश्नर थे, और उसके पहले जो है वो सीपीआई का यहाँ पे कमिश्नर, सीपीआई के मेयर थे। तो मैं इसमें कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाह रहा हूँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट दिस मैटर हैज बीन पेंडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जहाँ तक इसमें इलीगैलिटी की बात है, जहाँ तक इसमें अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पे सरकार ने संज्ञान लिया है, और मैंने विधानसभा के सभा पटल पे भी ये पूरी मजबूती से कहा है कि जैसे ही इसमें एमसी कमिश्नर का फैसला आता है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ एंड विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, इसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ये अवैध पाया जाता है तो निश्चित तौर से इसको डिमोलिश किया जाएगा, मगर हमें कानून की प्रक्रिया को सर्वश्रेष्ठ रखना है और कानून की प्रक्रिया से आगे चलना है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शांति का माहौल बना रहे, आपसी प्यार का माहौल बना रहे, और मैं फिर से आपके सभी टीवी चैनल्स के माध्यम से, क्योंकि एक कुछ पिक्चर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे पेंट करने की कोशिश करी जा रही थी, मैं आंकड़ों के साथ विद फैक्ट्स इस चीज को फिर से दोहरा रहा हूं, और इतिहास के पन्नों में ये चीज बिल्कुल साफ दर्ज है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य था जहां पे धर्मांतरण का कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जब वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 2006 में इसको लागू किया गया था। दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिस इज अ मैटर ऑफ हिस्ट्री, और ये हिमाचल के इतिहास में दर्ज है, इसको कोई नहीं बदल सकता। और दूसरा, हिमाचल में सैकड़ों मंदिरों के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपए कांग्रेस की सरकार ने समय समय पर सरकारों जो है मंदिरों के निर्माण के लिए दिए। हमारे सेंटिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, हम आई एम प्राउड टू बी अ सनातनी, आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू, और मैं तो खुद जो है वो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए 22 जनवरी को अयोध्या में मैं गया था। मगर
जहां तक सरकार की कार्रवाई की बात होती है, दैट इज एज आई सेड इट हैज टू बी विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, कानून की अपनी एक प्रक्रिया है। और मुझे, मैंने पहले भी इस बात को कहा कि हिमाचल प्रदेश इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक,